फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन बाय दिस। इसका मतलब क्या है कि डायरेक्शन कोसाइंस दो पेयर हैं और दो ट्रिपलेट इनको सेटिस्फाई करने वाले हैं। अगर वो ट्रिपलेट एल वन एम वन एन वन है और एल टू एम टू एन टू है, बात समझ आ गई? तो इसका मतलब ये है कॉस थीटा मेरे पास कितना है, दो वेक्टर दोबारा दो डीआरस भी होते हैं और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी। डीआर से इनकी हेल्प से मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि डीआर रेशियो आ जाएंगे, और इनके हेल्प से अगर ये डीआरस हैं इनको डीआरस में चेंज कर लें, क्या हो सकता है नहीं निकाल पाए डीआरस को, तो अंडरूट से कॉस थीटा से हम निकाल सकते हैं। तो एक काम मैंने क्या किया, एल को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो एल को अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, एल मेरे पास क्या है ध्यान से देखिए, फाइव एन तो डी आर आ जाएंगे प्लस थ्री एन, एल यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो कितना है सेवन फाइव एम प्लस थ्री एन का होल स्क्वायर, ओके प्लस फाइव टाइम्स एम स्क्वायर माइनस थ्री एन स्क्वायर। तो कुछ कैलकुलेट किया इसमें, ये डी सीज है एंड डी आर डायरेक्शन रेशियो आ जाए अगर दो ट्रिपलेट तो एंगल आसानी से आ जाएगा, ओके। तो ये जो क्वाड्रेटिक बनेगी इसको सिंप्लीफाई करें तो 25 ये क्वाड्रेटिक कितनी बनेगी, ध्यान से देखिए ये क्वाड्रेटिक अगर हम बनाएं तो ये कितना आएगा 25 एम स्क्वायर प्लस 9 एन स्क्वायर और प्लस 30 एम एन, सही है, प्लस 5 एम स्क्वायर माइनस 3 एन स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करना तो मुझे लगता है 6 एम स्क्वायर और प्लस 7 एम एन प्लस 2 एन स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इस प्रकार में हो जाएगा। ध्यान से देखें ये मेरे पास एक बार अच्छे से करना तो ये इस प्रकार में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। और यहाँ से अगर मैं इसे कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे पास इसके फैक्टर आ रहे हैं 3m प्लस 2n एंड 3m प्लस n इक्वल्स टू 0। ये इसको अच्छे से चेक कर लेना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये आ जाएगा, सही है। एंड इससे m की दो वैल्यू आ गई मेरे पास 2n बाई 3 एंड एक m की वैल्यू आएगी माइनस m माइनस एन बाई थ्री, ओके ये बात समझ आ गई। अब ध्यान से सुनो, डीसीज भी आ गए लेकिन मैं रेशियोज सब एन के टर्म्स में निकाल देता हूँ, तो एक ट्रिपलेट ये डीसीज नहीं कर रहा, नहीं निकाल पा रहे, दो इक्वेशन तीन वैल्यू वाले, तो मैं इनके रेशियो तो निकाल सकता हूँ। मैंने क्या किया, एक मेरे पास एम नहीं, एक है माइनस एम एम एल एम, एक है मेरे पास एल, एल कितना आएगा अगर मैं इसके लिए इससे निकालूंगा एल एन, एक मेरे पास है माइनस टू एन बाई थ्री, सही है, और एन और एल कितना होगा एन, इनका इसमें फाइव को मल्टीप्लाई करके और इसमें थ्री का मल्टीप्लाई करके, तो एल मेरे पास कितना आएगा इसमें ध्यान से देखना, एल कितना आएगा, एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी फाइव एम एम एन का मतलब क्या होगा, ध्यान से देखिए 5m प्लस 3n का मतलब क्या होगा, 5m का मतलब होगा माइनस देखें 2n 10n बाई 3 और प्लस 3n प्लस 3n ये आ गया, तो ये मेरे पास कितना आएगा 10 माइनस 10 और 9 माइनस n बाई माइनस एन बाई थ्री, एक ट्रिपलेट ही आ गया, सही है। और इसको अगर मैं रेशियो प्रेडिक्ट करूं तो माइनस वन माइनस टू और थ्री, ये एक रेशियो मेरे पास आ गया, एन को गायब कर दिया। तो अगर रेशियो डीआरस मुझे मालूम हो, ये डीआरस हो, ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली इस एम और एन और इस L की हेल्प से मेरे पास DRs आ जाएंगे 1-1 और 2, ये आपको काम में करना है, बात समझ आ गई। M ये है माइनस एन बाई थ्री, एल इससे निकाल लेंगे और N होगा, तो ये अगर ये दो DRs हैं, DCs नहीं DRs हैं, N भी चल रहा है बीच में, रेशियो है,
तो मैं एंगल कैसे प्रेडिक्ट कर सकता हूँ? ध्यान से समझना, इनका डॉट प्रोडक्ट एल वन एल टू प्लस एम वन एम टू डी आर से इसी नहीं है एन वन एन टू, और अगर ये वेक्टर ए वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ए फर्स्ट का मैग्नीट्यूड इनटू सेकंड का मैग्नीट्यूड। ओके, ऐसा मेरे पास आ जाएगा। तो नाउ फोकस हियर, मैं आंसर की तरफ जा रहा हूँ। कॉस थीटा मेरे पास कितना आएगा, कॉस थीटा की वैल्यू आएगी एल ये कितना है वन आया और ये टू आया और ये सिक्स आया, अपॉन में कितना आ रहा है भाई, अपॉन में आ रहा है ये वन और फोर फाइव और नाइन फोर्टीन, और इधर कितना आ रहा है, इधर आ रहा है वन वन फोर सिक्स। बात समझ आ गई? तो अब ये मेरे पास रूट ये फाइनली ये माइनस वन कैसे एल वन माइनस वन, तो ये सेवन अपॉन आ गया और सेवन सेवन कर सकते हैं, तो ये फाइनली आ जाएगा रूट सेवन अपॉन ट्वेल्व। ओके, तो अच्छे समझिए मैंने क्या किया, कैसे सॉल्व किया है। बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, बहुत ही अच्छी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है कि मुझे दो इक्वेशन दे रखी थी और वेरिएबल तीन है और इन ये डीसी ने मैंने एक को ये बनाया क्वाड्रेटिक में सॉल्व करके एम और एन कर दिया। तो ध्यान से समझना, दो पेयर मैंने सॉल्व कर लिए, एक दो पेयर जो सॉल्व किए हैं वो कैसे किए हैं उसको समझता हूँ। उनका रेशियो मेरे लिए काम कर रहा है तो वो डायरेक्शन रेशियो जा रहा है एन के टर्म्स में करिए। एक पेयर मेरे पास ये आया विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन एंड दिस वन एम और एक एन, इसकी हेल्प से और एन की हेल्प से ही आ गया। बात समझ आ गए? इसकी हेल्प से और एन की हेल्प से ये रेशियो दूसरा आ गया। तो एन डायरेक्ट किया तो ये डीसीज है नहीं डी आर है, और डी आर से अगर मेरे पास हो ऐसे कुछ तो मैं ये एंगल ऐसे निकाल सकता हूँ, इसको मैंने अप्लाई किया तो ये मेरे पास कॉस थीटा आ गया। बात समझ आ गई? दोबारा लिखू, एक पेयर किससे आया है एल, जो कि किससे ऑब्टेंड हुआ है फाइव एम प्लस टू थ्री एन से, और दूसरा किससे आया एम जो कि कितना है माइनस टू एन बाई थ्री से, सही, और तीसरा क्या है एन, तो एन के टर्म्स में एलेवन आ गया। जीसी डी आर निकाल दिए, ऐसे ही सिमिलरली दूसरे में दूसरा मैंने डी आर निकाल दिए और उनके से एंगल को कैलकुलेट किया। ओके, काफी इंटरेस्टिंग है और अच्छा है और मुझे लगता है पूरी तरह से समझ में आ गया। यहाँ पे क्या रहता है एल वन स्क्वायर एम वन स्क्वायर एन वन स्क्वायर लिख दिया मैंने एल वन स्क्वायर एम वन स्क्वायर, ध्यान समझ, अगर ये डीसी जी होते तो ये तो बन ही होता, ये भी बन होता, लेकिन डीआर क्योंकि एन भी चल रहा है तो डीआर कैलकुलेट हुए। बात समझ आ गई है? फिर भी अगर इसमें डाउट है तो डीसी एंड डीआर को अच्छे से तैयार करिए तो मुझे लगता है समझ में आ जाएगा। वैसे इतना टफ नहीं है और अच्छे से ये आ चुका होगा। ओके,